खेल मंत्री अशोक चांदना बीकानेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में अशोक चांदना ने कहा, कल से जो ग्रामीण खेलों का आयोजन हो रहा है वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। लाखों लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। खेल की भावना से हमें खेल खेलने भी चाहिए। साथ ही साथ जब अशोक चांदना से ये पूछा गया कि आप युवा मंत्री हैं लेकिन NSUI को नकारा गया है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्या कहेंगे, तो उनका कहना था यूनिवर्सिटीज़ में हार हुई है लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग हमारी कमियों पर गौर करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बीकानेर में भी परमानेंट खेल अधिकारी हो, ये हम चाहते हैं और इस पर काम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने मांग की है कि साइकिल वेलोड्रम को लेकर काम हो, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अशोक चांदना ने कल से शुरू हो रहे ग्रामीण खेलों को मील का पत्थर बताया है। बाद में अशोक चांदना कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी के निवास पहुंचे। दरअसल रामेश्वर डूडी की माताजी का निधन हुआ है। अशोक चांदना ने उनके निधन पर संवेदना जताई और डूडी से चर्चा भी की। मोदी एट द रेट ऑफ 20 के नाम से कोटा के सांगोद की मांगलिक काशीपुरी धर्मशाला में आज हुआ प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में स्वागत भाषण देते हुए देहात BJP के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय लोकतंत्र में बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 20 विधायक साल पूरे हो चुके हैं और यही इस कार्यक्रम की थीम है और इसी थीम पर पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कोटा के सांगोद में आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी रहे। चतुर्वेदी ने इस दौरान भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के साथ ही धारा 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण कराने और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने सहित मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और योजनाओं का भी विस्तार से बखान किया। इस दौरान मोदी सरकार की आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तार से बात की गई। इस सम्मेलन में BJP के सभी मंडलों के मंडलाध्यक्षों के अलावा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में सांगोद के स्थानीय निवासी और प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। इससे पहले कोटा के सांगोद के रास्ते में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्वेदी का BJP के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर और जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल की अगुवाई में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज रहे जोधपुर दौरे पर। मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम में आयोजित प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत जोधपुर में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। एम्स सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफर काफ़ी चुनौतियों से भरा था। जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो वहाँ भूकंप आया था और पूरा गुजरात तहस नहस हो गया था, लेकिन कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए उन्होंने गुजरात को एक विकास मॉडल के रूप में साबित किया। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते थे लेकिन गुजरात के गोधरा कांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि आज तक वहाँ कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीब, पिछड़े, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजनों ने शिरकत की और उसके बाद वह नरेंद्र तोमर यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की। विशुका के उपाध्यक्ष चंद्रमान सिंह धौलपुर जाते समय रुके भरतपुर के सर्किट हाउस में। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शेर सिंह सुपा सहित कांग्रेसी नेताओं ने किया चंद्रमान सिंह का फूलमालाओं से स्वागत। विशुका के उपाध्यक्ष चंद्रमान सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामजिला मैदान में 4 सितंबर को होने वाली महंगाई रैली को लेकर भी चर्चा की। वहीं प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर चंद्रमान सिंह ने NSUI की करारी हार पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बड़ा चिंतनीय विषय है कि आखिर NSUI प्रदेश में इतनी कमज़ोर क्यों रही। NSUI के पदाधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कमी रही जिसके कारण से प्रदेश में NSUI की हार हुई है। डॉक्टर चंद्रमान ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कहा कि वे हमेशा कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे लेकिन कुछ समय से वे किसी पद पर नहीं थे। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाई माधोपुर करौली ACP की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गंगापुर सिटी उप पंचायत के पिलोता थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह और उसके निजी दलाल राजू लाल शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है।
करौली एसीबी के डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि सेवाला गांव निवासी एक परिवादी ने पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में परिवादी को मदद करने की योजना हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी। सवाईमाधोपुर एसीबी के एसपी सुंदर शर्मा के नेतृत्व में की गई सत्यापन कार्रवाई के दौरान आरोपी दलाल ने 5,000 रुपये की रिश्वत राशि परिवादी से ले ली तथा 10,000 रुपये रिश्वत राशि जल्दी देने की बात कही। इस पर एसीबी द्वारा जाल बिछाए जाने के दौरान आज 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए हेड कांस्टेबल के दलाल राजूलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने रिश्वत राशि हेड कांस्टेबल के लिए लेना बताया। इस पर दलाल की हेड कांस्टेबल से कराई गई वार्ता के बाद हेड कांस्टेबल ने दलाल को गंगापुर सिटी बुलाया और 10,000 रुपये दलाल से लेकर बाइक पर जाने लगा। इतने में ही एसीबी टीम हेड कांस्टेबल को धर दबोचा और पिलोदा थाने ले आई और रिश्वत की राशि बरामद कर ली। एसीबी टीम रिश्वतखोरी के खेल में शामिल अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही एसीबी की टीम ने आरोपियों के घर की भी तलाशी ली है।